दर्शक वृन्द नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय शाह शिवाली। देश में बहुत गोटे के बलिदानी के बाद संघीयता अलै। अखनका बात करी तो देश में तीन टा तह छै, सरकार के तीन टा तह छै, संघ, प्रदेश आ स्थानीय तह। एकटा उपराग सुनो में ई अबै छै कि तीनू तह बीच के समन्वय नहीं भ रहा है। एकर ज्वलंत उदाहरण अखन कोरोना के संकट देश में चल रहा है, अय समय में देखल गेलै। क्यों कहे छे हम प्रदेश के माथा छी तो प्रदेश के बात मात्रे मानबे, क्यों कहे छे केंद्र के माथा छी तो केंद्र के बात मात्रे मानबे, क्यों कहे छे हम स्थानीय तह के कर्मचारी छी, स्थानीय तह के पदाधिकारी छी तो स्थानीय तह के बात मात्रे मानबे। एहन किसिम सँ सब केओ अपन अपन बात करै छै। एहिसँ होइ छै कि कोरोना के जखन बात करै, हुनका सबके जे सब आइसोलेशन में छै हुनका सबके उपचार के बात भऽ सकै छै, सेवा सुविधा देबऽ के बात भऽ सकै छै, यावत किसिम के जे बात भऽ सकै छै ताहिमे समस्या आबै छै। विशेष कऽ कऽ स्वास्थ्यकर्मी सबसँ एहन किसिम के बात सब आबि रहल छै कि केकर माथा छै, एहिमे जे बीमार सब छै ओ सब आओर पेरा जाइ छै, आओर समस्या में पड़ि जाइ छै। बहुत गोटे के बलिदानी से आयल संघीयता ई जै हिसाब से चल के चाही ओ किया नहीं भऽ रहल छै, आइ एहि विषय में चर्चा करय जा रहल छै। एकर संगे समसामयिक राजनीतिक विषय में सेहो चर्चा करब। जौं केंद्र सरकार के बात करी तो केंद्र सरकार देश में आयल ई समस्या के केना के संबोधन करबे, केना के समाधान करबे, एहिसँ बेसी पार्टी में आयल समस्या केना का समाधान करबे, एहि दिस बेसी केंद्रित भेल देखल जाइ छै। एहन किसिम के अवस्था किया सृजना भऽ रहल छै ओहि विषय में चर्चा करब। आइ जुड़ल छै खुशी लाल मंडल, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै। धन्यवाद। अखन कोरोना के संक्रमण चल रहल छै, विषम परिस्थिति छै, लॉकडाउन खोलल गेल छलै आ फेर धीरे धीरे लॉकडाउन फेर हुअ लगलै, कहीं विभिन्न ठाव में निषेधाज्ञा सेहो जारी कयल गेल छै। शुरुआत अहिसँ करब चाहब कि अखन जे कोरोना के संक्रमण चल रहल छै एहिसँ बचऽ के लेल सरकार, ई तीनू तक के सरकार जे काज कऽ रहल छै एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छै? देखियौ, जहाँ तक कोरोना के सवाल छै, एकर शुरुआते बहुत गलत ढंग से नेपाल में भेल छै। कि दुनिया जानै छै जे चीन में एकर उत्पत्ति भेलै, चीन सरकार ओकरा दबेलकै और विश्व में ओ फैलैत 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 नेपाल तक एलै। लेकिन ओली सरकार एकरो अहू इशू के जे मानवीय इशू छै, अंतर्राष्ट्रीय इशू छै, ओकरा राष्ट्रीय इशू बनेलकै। हमरा नजर में कोरोना के नेपाल में एहि अवस्था में चार कारण छै। पहिल कारण छै ओली के राष्ट्रवाद, दोसर कारण छै सरकार में व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार, तेसर कारण छै की कहै छै मानवीय अवस्था के अपने देशक नागरिक के प्रति मानवीय संवेदनहीनता, चारिम समन्वय के अभाव, चारिटा विषय एकर कारक तत्व हम मानै छी। जेना अब राष्ट्रीयता के बात लिए, दुनिया में कोरोना फैल रहल छलै, ओली जी कहलखिन जे नेपाली के त आत्मविश्वास, आत्म की कहै छै जे मनोबल अतेक ऊंच छै जे कोरोना के त नेपाली के लेल कोनो नुकसाने नहीं पहुंच जा रहल छै। पता नहीं नेपाल के नागरिक हमरा सब के बॉर्डर पर रहै छी, ओहि पार के लोग संक्रमिती होइ छलैया, हमरा सब के ऐसे केना बच सकै छलहुँ, ई हम नहीं समझ सकलिए। और ई राष्ट्रवाद के कारण आई अवस्था तक एलै। दोसर बात कहलखिन जे हरदी पानि पियू, सबटा कोरोना अपने भाग जेतै। तेसर बात छियै
संस्थागत भ्रष्टाचार। राष्ट्रवाद के बात करब तो एक और कारण है। पहिने एक बात कह दलूँ, अब सरकार में राष्ट्रवाद के नाम पर जे संस्कार संस्थागत भ्रष्टाचार भ रहा है ओकर दोसर सबसे बड़का कारण है। दुनिया जखन चीन के एहिठाम से मंगाएल गेल आरडी किट पीपी किट ऐसो की सब घटिया निकल त सब की कहे छे देश पहिने स्पेन केलके तकर बाद ब्राजील केलके तकर बाद अमेरिका वापस केलके तकर बाद भारत केलके जर्मनी केलके। वही अवस्था में फर्स्ट ट्रैक के नाम पर चीन से घटिया क्वालिटी के मांग एकटा ओहन कंपनी के दिल गेले जकरा अकर अनुभव नहीं छले। ऐ के बारे में सारा तथ्य सामने आबि गेले, भ्रष्टाचार के कहानी सब सामने आबि गेले, ऐ पर बहुत कहला के कोनो फायदा नहीं छे, ओ प्रमाणित भ गेले। आ जब ओमनी ग्रुप के भ्रष्टाचार के कहानी जाने मोल के कहानी सामने अल तो सेना के दिल के जिम्मा, अब सेना भी आलोचना के पात्र बन गए। तेसर कारण जखन भ्रष्टाचार की कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा है तो नेपाल में एक दोसर राष्ट्रवाद के सृजना कल गए। वो सृजना छे लिपू लेक के मामला, सब जाने छे हमरा सब के वही समय में हिंदुस्तान में रही जखन भारत चीन युद्ध भेले, वही समय में भारतीय सेना वही क्षेत्र में की कहे छे जे अपन कैंप खड़ा कल के राजा महेंद्र छला है, राजा महेंद्र स्वर्गीय भ गेला, राजा वीरेंद्र अला ओहो से उनको वंशे नाश भ गेले। तकर बाद कतेक सरकार अल गिरिजा प्रसाद के लिए कृष्ण प्रसाद भट्टराय के लिए माधव कुमार नेपाल अला प्रचंड अला के अला के झलनाथ अला की कहे छे जे बाबूराम भट्टराय अला सब सरकार बनले, लेकिन वही मामला के उजागर नहीं कल गेले। ओली जे हर मोर्चा पर विफल भ रहल छे भ्रष्टाचार जे अपने जना कह रहल छी कोरोना के विषय में जे केंद्र सरकार जे हिसाब से काज करक चाहिए वही हिसाब से काज नहीं कलक कतौ न कतौ भ्रष्टाचार के बढ़ावा दलक से अपने कह रहल छी। नकली जे स्वास्थ्य सामग्री सब से सब आनल गेले से अपने कह रहल छी, केंद्र सरकार फेलियर रहले से अपने कह रहल छी। दोसर एक बात अपने जे उठेलिए लिपुले के विषय एकरा अपने सेहो कोरोना से जोड़ रहल छी कि कोरोना के संदर्भ में जे जनता के दोसर दिस भटकाई कोरोना के जोखिम एक भयावह जे स्थिति छे तेकरा से भटकाव के लेल हाँ ध्यान मोड़ के बात है उतना नहीं सुन लियो। जनता हिंदुस्तान किया जाए छे, हमरा सब के एक सामान्य कहावत छे रोजी रोटी के संबंध, रोटी के संबंध ककर छे पहाड़ के कन की कहे छे जे पहाड़ कंदरा कहाँ कहाँ के लोग हिंदुस्तान में रोजी करे ले जाए छे। जखन वहीठाम कोरोना के महामारी फैलले तो वहीठाम से लोग आव के वास्ते कौन तरह कौन कष्ट उठा के बॉर्डर पर पहुंचले, लेकिन सरकार अतेक संवेदनहीन बन गेले अपने नारी के प्रति जो ओकरा अपना देश में प्रवेश नहीं कर दे। कहल नारा देल गेले अब व्यवस्था कैल गेले जे भारत से लोग अनधिकृत रूप में आब रहल है, देश में ओकरा सब के समुचित व्यवस्था करक के बदले कहल के बॉर्डर सील कर पे यहाँ तक कि कांटा तार से घेर देना चाहिए तेहनो राष्ट्रवादी सब भेले। ऐसे की भेले ते लोग मजबूर छले या दुनिया जाने छे जे बॉर्डर पर पहुंचा लोग जब नहीं आवा दिलके तक महाकाली नदी हेल के
अइ पार एले अही की कहै छै कते लोक मरि गेलै कते आब सकलै अही के जनकपुर के जटही सीमा पर केना केना के लोक एलै भूखल प्यासल ओकरा नै आब देलकै और सीमा अपन देश के सीमा पर आबि के ओ युवक दम तोड़ देलकै। इस सारा ये ओली सरकार के क्रियाकलाप छै ओ पहिने हम कहलूं राष्ट्रवाद से जुड़ल छै ओही से संबंधित छै ओही की कहै छै अपन कमजोरी छिपाव के वास्ते जे बाहर से ले ओकरा आइसोलेशन में राख के लेल जे व्यवस्था करे के छले आई डॉक्टर सब नर्स सब काम करे छै हमरा जे जानकारी भेटैया ओकरा सब के काम करे के उपकरणों नहीं देल गेलै ओ सब अपन पैसा लगत की कहै छै जे काम कए रहल छै। समस्या देखल गेलै है कि सरकार तो कहत रहले है कि जे स्वास्थ्य सामग्री सबके उपलब्धता के जो बात करी तो नेपाल अपने उत्पादन नहीं करे छै विदेश से आना पड़ते विदेश पर भर पड़े के बात छै ओहू में चीन पर भर पड़े के बात छै चीन से अयला के बादे किछ हेतै तो ई सब यावत समस्या सबके कारण से किछ विलम्ब तो भेलै छै सरकार कहते आ रहल छै नहीं तो अपने तो नेपाल सरकार आत्मनिर्भर नहीं ने छै जे स्वास्थ्य सामग्री सब में ओ तो विदेश पर तो निर्भर रहै पड़तै ने तहु द्वारा विलम्ब भेलै ने। नहीं विदेश पर रहे का अर्थ की छे दुनिया आरडीटी की कहै छै जे कहल के जे आरडीटी किट से जे परीक्षण होय छै ओ की कहै छै जे ओ नहीं छै सही परिणाम दै छै। नेपाल में काल खिना हम सरकार के प्रवक्ता के बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनलिए जे आरडीटी किट से परीक्षण बंद करे बंद कर दल 4 महीना भ गेले चैत बैसाख जेठ अखाड़ साउन पांचम महीना छे अदे दिन की चले सारा देश सारा दुनिया ओ तो विकल्प नहीं है पीसीआर के उते उपलब्धता नहीं रहे जी लेकिन नेपाल सरकार नहीं लुटा सके छले ओकरा प्रयोग करते रहले ई की छे से कहो ई छे कि भ्रष्टाचार कमीशन के कारण जे घटिया सामान मांगल के ओकरा देश में खपत करबे के बाद अपने कह रहा कि केंद्र सरकार निक से काज नहीं कल के से अपने कह रहा भ्रष्टाचार के प्रशय दल के से अपने कह रहा जो प्रदेश के अब 60 प्रदेश है सबके अपन अपन प्रदेश है नहीं सब नागरिक कोनो ने कोनो प्रदेश के है तो प्रदेश सरकार के भूमिका कोरोना के महामारी में प्रदेश सरकार के जे अनुसार से भूमिका निर्वाह करे के चाहिए आ जो प्रदेश दू पर अगर केंद्रित भेल जाए तो अपने की कहबे प्रदेश दू सरकार के केहन रहले भूमिका एकटा कहावत छै जे जटकी छुला है तो छोटकी हरिये में खाए जब ऊपरे के वो अवस्था छै तो प्रदेश की कर प्रदेश का की कहै छै जे हमरा तो कोनो अधिकारे नहीं है हमरा साधन नहीं है हम की कहै छै से केना करब प्रदेश के परिकल्पना संघीयता के परिकल्पना तो अही के लेल नै छलै जे केंद्र नहीं केलकै जे आबी केंद्रीकृत सत्ता रहलै नै दूर दराज के गांव के घर के ओतु का लोक के केंद्र सरकार नहीं देखल नहीं तो तै द्वार ने संघीयता एलै तो आब जे संघीय अब जे संघीयता एला के बाद जे प्रदेश सरकार कहतै जे केंद्र सरकार एना करे तो हम क्या नहीं करबै केंद्र सरकार नहीं कलके तो हम केला ने हम केला करबै तो एना तो नहीं कह सके छै। देखियो सबसे बड़का बात छे जे नेपाल के जे प्रमुख दल छे ओ के मजबूरी में संहिता स्वीकार केलकै अखनो तक बस चले आवाज उठते छे ई सब संहिता समाप्त कर देते संहिता देलकै एलै देश में लेकिन ओकर अधिकार कते छे ओकर सब के कर्तव्य के बाद बाद में कहूं लेकिन आय प्रदेश सरकार पेंडुलम छे निचला निकाय जे छै जकरा गांव पालिका नगर पालिका कहै छियै ओकर कहै छै रस्सी उड़े आकाश में गुड्डी उड़े आकाश में रस्सी हमर हाथ में आ एकटा कर्मचारी नियुक्त नहीं कर सके पर स्थानीय निकाय सरकार कहै छै जे हम तो केंद्र के अधीन छी हम प्रदेश के बात किए मान आ ई अवस्था छै थुम थुम के राजा जे कहै छै से भ गेलै
सरकार जवाबदेही से वंचित भ रहल छे। सरकार विभिन्न आयोग में कार्यकर्ता भर्ती कै सकैए, विभिन्न फिजूल खर्ची में लगा सकैए, लेकिन कोरोना व्यवस्थापन के वास्ते ने प्रदेश के साधन मुहैया करै छे केलके ने स्थानीय निकाय के केलके। एक दोसर के जवाबदेही पर की कहै छे जवाबदेही दे रहल छे, अपन दायित्व से भाग रहल छे। जी अपने दोसर कह रहल छे कि अधिकार नहीं देल गेले, नहीं तो ई सत्य छे कि अधिकार जे अनुसार से दिए के चाहिए वो अधिकार नहीं भेटले, ने प्रदेश के भेटले ने स्थानीय त के भेटले, लेकिन जे अधिकार सब भेटले ओकरो कार्यान्वयन ठीक से नहीं करल छे, ओकर परिपालन ठीक से नहीं करल छे, से त आरोप लगत आबि रहल छे ने। देखियो अधिकार के माने सिर्फ कागज में अधिकार देला से नहीं छे, ओकर साधन स्वरूप चाहिए। कोरोना के मैनेजमेंट के वास्ते सबसे जरूरी छे साधन, साधन सबटा केंद्र में निहित छे। प्रदेश के साधन स्रोत के कमी छे, जो हो छे तकरो उपयोग नहीं भ रहल छे। अहीं का हमरे सबके दू नंबर प्रदेश के पास अहाँ के अस्पताल के अवस्था की है, बहुत बड़का अपॉर्चुनिटी भेटल छलैए दुई नंबर प्रदेश सरकार सबके, खास के दुई नंबर में वह तो कह रहल छै ने, वह तो कह रहल छै ने। अखन कोरोना के संदर्भ के बात कैल जाए तो कोरोना के संदर्भ के बात कैल जाए तो किछ जे स्वास्थ्य सामग्री छै ओहि के लेल केंद्र के मुँह ताक पड़तै, विदेश के मुँह ताक पड़तै, लेकिन और जे स्वास्थ्य सामग्री सब छै तेकर उपलब्धता तो हुआ के चाही। जखन वेंटिलेटर किन के बात होइ छै तो प्रदेश में जमा 7-8 वेंटिलेटर छै नहि, आ जखन गाड़ी किन के बात अबै छै तो गाड़ी तो सहयोग के संख्या में किना गेल छै प्रदेश में, मंत्री के चढ़ला गाड़ी छै ज ओकर अगुआ पछुआ के चढ़ला गाड़ी किना जाइ छै खटसिन, लेकिन जखन वेंटिलेटर किन के बात अबै छै तो वेंटिलेटर नहीं छै, आदमी मरै छै ओनाहिते, तो ओहू के लेल केंद्र सरकार चाही। नहीं नहीं देखियो हम तो पहिने ही कहलौं जे आगू अगल की छुलाए तो पछुल के पतलिए में था। आय केंद्र सरकार तो जे करे से प्रदेशो सरकार दायित्व विहीन बन गेले, चाहे गाड़ी की ना कहो चाहे और कहो। अखने हम सुनलो है दुई नंबर प्रदेश में 45 करोड़ या कते करोड़ रुपया से केंद्र से आयल छे, प्रदेश सरकार की कहे खाता में जमा छे वो वेंटिलेटर नहीं। जनकपुर अस्पताल चार महीना भ गेले लेकिन वेंटिलेटर नहीं किन रहल छे, प्रक्रिया आगा दायित्वहीनता कह रहल छे, प्रक्रिया आगा बढ़ाने छे लेकिन वेंटिलेटर नहीं मिल रहल छे। जो दोसर पक्ष के बात करी तो कह रहल छे कतो ने कतो विवादास्पद बात सब आबि रहल छे, प्रदेश सरकार बहुते पदाधिकारी सब छे हुनके सबके अलग अलग किस्म के बात आबि रहल छे। कोई कहे प्रक्रिया आगा बढ़ौलिए सामान नहीं भेटले, केओ कहे प्रक्रिया आगा ठीक निक सब बढ़ेनी नहीं छे, सेहो बात सब आबि रहल छे। नहीं नहीं हम मानै छी यहाँ के बात, जे वास्तविकता वह छे ई सब दायित्व विहीन भ रहल छे, जे काम करब चाही जे साधारणों काम सब छे अस्पताल के मैनेजमेंट के सुधार देते। आज के जनकपुर अस्पताल नरक बनल है, हमरा दू बेरा जाए के मौका भेटल, जो अवस्था देख लो वैसे निक हमरा जन अथी के राजराज अस्पताल चले न कोनो डॉक्टर जाए छे बेड पर, एक गोटा बेड पर हम शरीर नहीं देखने चाहिए, तो वो क्या सुधार देते। स्वास्थ्य मंत्रालय से की कहे छे जे एठम छे उन्हें क्या सकैए, जरूर क्या सकैए, गाड़ी के पैसा वही में लगा सके, नगर पालिका गांव पालिका सब गाड़ी किनवे में की कहे छे मोटरसाइकिल से लेके स्कॉर्पियो से कम कीमत के गाड़ी कोई नहीं किने छे, पहाड़ में कते ठाम जाइयो का रास्ता नहीं छे वो स्कॉर्पियो किने छे, देश अराजकता का स्थिति में जा रहा है, नागरिक पिसा रहल नहीं तो वह कह रहल छी। अधिकार के बाद जे अपने कहलिन कि अधिकार नहीं देल गेले ई सत्य छै, अधिकार जते मिलक चाहे प्रदेश की से नहीं मिल रहल छै, लेकिन जे अधिकार छै प्रदेश सरकार कह रहल छै कि हमरा ल 10-12 टा हॉस्पिटल मात्र छै हमरा सबके अंतर्गत और तो केंद्र मात्र छै, लेकिन जे 10-12 टा हॉस्पिटल छै तो ओकर अवस्था की छै। नहीं नहीं देखो पहिने कहलौं ओ सुधारल के रोकल के जे लोग भ रहल छै
सदुपयोग नहीं भ रहल छे, अनावश्यक खर्चा भ रहल छे, पत्र पत्रिका में भ्रष्टाचार के की कहे छे सीमा लाइन गेले है, उ खबर सब आ रहल छे, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे स्थानीय सरकार हो। हमरा सब के तो लगे जे आई डेमोक्रेसी के वास्ते किया 30 वर्ष तक संघर्ष के लिए संहिता के वास्ते 2047 से लेके 2071 साल तक किया संघर्ष के लिए। 70 वर्ष के उम्र में हम संहिते के लिए जेल जाए चलूं है, पुलिस थाना में जाए चलूं है, रोड पर नारा लगबे चलूं। अब हमरा सब के सोचे पड़े कि अही संहिता के वास्ते यही अधिक की कहे छे जे एहने एहने प्रतिनिधि सब के वास्ते हमरा सब के की कहे छे जे सारा जीवन डेमोक्रेसी संहिता सामाजिक न्याय नागरिकता पर लगा देलिए। हमरा सब हमरा सनक लोग के ग्लानी है, सच कहे छे। देश में असंहिता जेल है, आज हम प्रदेश दू के बात करी तो मधेस में 3-3 बेर आंदोलन भेले, तेकर परिणाम स्वरूप देश में संहिता एलै आ एकरे प्रतिफल छै प्रदेश दू सरकार निर्माण भेलै। प्रदेश दू सरकार के जखन बात कयल जाय तऽ गाड़ी किनला केनहुतो के किन लै छै। अही बेर के बात करी तऽ महालेखा परीक्षक के कार्यालय प्रतिवेदन जे सार्वजनिक केने छै ओहिमे कहने छै कि नियम संगत ढंग सँ गाड़ी सब नहि किनल गेलै या कही नियम के बरखिलाफ गाड़ी सब किनल गेलै या जै अनुसार से किनल के चाही प्रक्रिया पूरा नहि कयल गेलै से कहल गेल छै प्रतिवेदन में। दोसर बात करी तऽ अतुका सांसद सब के लैपटॉप तुरंत भेज जाय छै, यावत सेवा सुविधा के बात करी भत्ता के बात करी ई बहुत किस्म के सेवा सुविधा तत्काल भेज जाय छै, गाड़ी घोड़ा सब चीज भेज जाय छै। लेकिन जतय अतुका प्रदेश के जीवन रक्षा के जखन बात होइ छै तऽ वेंटिलेटर नहि रहै छै आओर स्वास्थ्य सुविधा नहि रहै छै, पीपीई के ठाव में रेनकोट लगाव पड़ि रहल छै एहि प्रदेश में, अही के लिए आयल छै संहिता। देखियो प्रदेश सरकार हो चाहे स्थानीय सरकार हो चाहे जे हो, हमहूँ महालेखा के रिपोर्ट पढ़ै छियै, आइ 7 अरब के से ऊपर बेरुजू रकम भ गेलै। एहिमे सब सब ऐसे प्रदेश दू में रहल छै बिना की कहै छै जे अहाँ के प्रक्रिया पुनः के लाखों करोड़ों के गाड़ी किनल जा रहा अनावश्यक खर्च के लिए, सब की छे ई सब बेतिथि के परिणाम छे भ्रष्टाचार। जेना बुझाइए देश में जे कानूनी राज नहीं रही, एक गाना आयल छले ना लूट सके सो लूट, ओकरा सरकार गिरफ्तारो कर गेले, नाम तो हम बिसर गेलो, कहीं वही दिशा में तो देश नहीं छे। आ ई अवस्था जे छे ई अराजकता अवस्था जे छे ई की कहै छै व्यथिति के अवस्था छियै। ई हमरा अपन जीवन में 84 वर्ष के जीवन में अपना सामने में डेमोक्रेसियो जाइत देखलिए, गणतंत्रो जाइत देखलिए, की कहै छै सिस्टमो जाइत देखलिए, गणतंत्र रहलै या तो आदमी के हाथ में गेलै। तो वह तो जी मंडल जी तो वह तो हम कह रहल छी कि बहुत किस्म के शासक के स्वरूप परिवर्तन तो भेले ने देश में, बहुत किस्म के आंदोलन भेले 2007 साल से बात करी तो कई बेर आंदोलन भेले ने, लेकिन जे जनता के चाही विकास समृद्धि चाही तो ऊ चीज नहीं भ रहल छै ने, परिवर्तन तो मात्र भ रहल छै नहीं भ रहल छै ना। हम कहलौं ना पहिनो उठने रहो बात के सारा पूर्वाधार भेट रहल छै कम से कम मधेस में, अस्पताल छे, कॉलेज छे, सड़क छे, सब कुछ छे, न शिक्षा में सुधार भेले है, न स्वास्थ्य में सुधार भेले है, न कि कहै छै जे सड़क सब में सुधार भरो, केंद्रीय स्तर के 2-3 टा सड़क जे छे ओहो लटकल छे। यह सब में चिंता के विषय छे जे काल खन मतलब अपने ई मान रहल छियै कि लोकतंत्र सेहो एहि देश के लेल हितकर नहीं छे। लोकतंत्र हाँकै वाला लोग सब गलत नहीं छे, जै युग में प्रजातंत्र के की कहै छै जे विदेशी विदेशी की कहै छै योजना कहै छलै हमरा सब के विदेशी दलाल सब कहै छलै
हवा पानी माटो सुहाबो व्यवस्था कहे छे ओहु समय में 32 साल में जखन हम की कहे छे जे आयोग आयल रहे कृष्ण बीच के अध्यक्षता में संविधान सुधार सुझाव आयोग तो वही ठाम यह बात सब लगले हम कहलिए इसमें देश का माटो हवा पानी सुहांदो व्यवस्था कसो हो जो पहाड़ को हिमालय क्षेत्र को हवा चीसो छ माटो पथरीली बर्फीली छ पहाड़ को माटो पथरीली छ मधेश को माटो मलिलो छ पानी पनी गर्म छ के एक बात अजी आपने से ये बुझा चाहा व्यवस्था चाहिए पहाड़ को लागि एउटा व्यवस्था चाहिए र मधेश को लागि एउटा व्यवस्था चाहिए दुनिया में 60% भन्दा बढी बहुदलीय लोकतंत्र में मानी राख्या छ त्यसकारण इसको विकल्प छ जी तो एक विकल्प नहीं से अपने कर लोकतंत्र के विकल्प नहीं हाँ, लोकतंत्र चलाए वाला व्यक्ति सुन लिया एक बात 47 के बाद कोनो सरकार 5 वर्ष पूरा नहीं कर सकी कहे चले जे की छे ई सिस्टम के दोष तो अखन ते दू तिहाई बहुमत छे अखन की भ रहल छे किया ए 4 महीना से देश देशवासी कोरोना से पीड़ित छे बाढ़ पहिरो से पीड़ित छे लोग मर रहल छे लेकिन सत्ताधारी दल 4 महीना से सत्ता के लड़ाई एक आदमी कहे छे जे हम मर जबो तैयो कुर्सी नहीं छोड़बो आ यदि हमरा छोड़ पड़तो तो चकना चूर के देबो दोसर कहे छे जे नहीं तो हाँ किया किया रह सकते कुर्सी पर तो हाँ कुर्सी छोड़ दो ये लड़ाई की छे सिस्टम के दोष छे चरित्र के दोष छे नैतिकता के दोष छे जै देश में लोकतांत्रिक चरित्र में हेते हजारों लोग 17,000 लोग के हत्या कराल गेले जनवाद के नाम पर जनता के की कहे छे राज के नाम पर आई ओकर चरित्र देखियो ने की छे ई मतलब आप की भ रहल छे कि चरित्र मतलब कोनो भी व्यवस्था जी सिस्टम के दोष नहीं से अपने केरल छे लोकतंत्र सिस्टम के दोष नहीं छे जी संचालन करे वाला व्यक्ति के दोष छे जी मतलब लोक लोकतंत्र अपेक्षाकृत सबसे निक छे से अपने केरल छे सिस्टम के दोष बिल्कुल नहीं छे चला वाला व्यक्ति के दोष छे जी एने एकटा बात हमर सुन लिया 1960 के दस 50 के दशक में बहुत देश में डेमोक्रेसी अल बांडुंग सम्मेलन के रचयिता में जवाहरलाल नेहरू इंडोनेशिया के सुकर्नो युगोस्लाविया के टीटो मिस्र के नसीर और घाना के नकुरमा छले रहे लेकिन सब देश में टीटो आजीवन सभापति बन गए नसीर के खिलाफ में कू भेले सारात कू के कलके तैयो अखन तक ओहिठाम केहन व्यवस्था से जानते छे टीटो जीवन भर राष्ट्रपति रहले आ ओकरा मरला के बाद युगोस्लाविया नाम के देश नहीं रहले पर परंतु नेहरू सनक लोग पटेल जी सनक लोग राजेंद्र बाबू सनक लोग अतेक दूरदर्शिता रहे जे एकटा दलित के संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष बनल के ओ कल्पना जे भेले वही कल्पना से हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बच गए जकर उपाज मोदियों छे तो दूसरों भले तेसरों भले सिस्टम के बात हो छे व्यवस्था के बात हो छे तो पहले निरंकुश राजतंत्र रहे ते के बाद बहुदलीय राजतंत्र अल संवैधानिक राजतंत्र अल ते के बाद फिर अपने कहल जाए तो फिर अखन लोकतंत्र चल आयल छे देश में नहीं तो जेना के परिवर्तन होते गए ना देश में तो तेना के मानसिकता परिवर्तन हुआ के चाहिए काज करे के तरीका परिवर्तन हुआ के चाहिए चरित्र नेतृत्व सबके जे सब राजनेता सब छै तिनका सबके चरित्र परिवर्तन हुआ के चाहिए काज करे के तौर तरीका परिवर्तन हुआ के चाहिए तो उ कैला ने परिवर्तन भेले लेकिन पुस्तांतरण तो भेल छै ने पुस्तांतरण भेल छै लेकिन जे अनुसार से नेतृत्व के काज करे के तौर तरीका परिवर्तन हुआ के चाहिए तो सिकिया ने भेले अब देखियो अब सबसे बड़का बात छै यह बात सोचक परिवर्तन भेले व्यक्ति परिवर्तन संस्कार में परिवर्तन संस्कार में परिवर्तन आई देश में क्या था संविधानिक ड्राफ्टिंग कमिटी बनले उसमें के भले कौन के अध्यक्ष भले हम बता दिए एक एक कम्युनिटी के लोग आई तक जते
प्रधानमंत्री भेले 47 साल लैके अखन तक ओ के छे एक कम्युनिटी के लोग न्यायालय पर ककर वर्चस्व छे प्रशासन पर ककर वर्चस्व छे और राजनीति पर ककर वर्चस्व छे अहां देख लियो कोनो दल हो ओली से लैके की कहे छे जे वामदेव गौतम आ शंकर पोखरेल आ ईश्वर पोखरेल तक जे लाइन छे ओय में के छे कांग्रेस के वे हाल रापरपा में पार्टी ने लीडिंग रह गए सब जैसे संस्कार जे राणा जकर वंशज राणा के नून खा के ऊपर शरियत दिलक शाह वंश के नून खा के ऊपर शरियत दिलक वही सब पहनो हर षडयंत्र में शामिल रहले वह पुष्ट दर पुष्ट आबि रहल बात बहुत कड़ा छे लेकिन वास्तविकता वह छे कहे छे जे सत्य कटु होय त आब के आब के राजनीति के दिशा निर्देश केहन रहते जखन देश हित के बात होय छे जखन जनता के हित के बात होय छे त भ्रष्टाचार पहिले सुनैत आबि रहल छले तुका जनता एखनो सुनैत आबि रहल छै नै यावत व्यथिति सब तो सुनते आबि रहल छै अराजकता तो सुनते आबि रहल छै ओ एखनो सुन रहल छै पहिले सुन रहल छले राजतंत्र में सुन रहल छले नै त जे मादिसी एहि मामला में कि कोनो समय में बिहार के से अराजक अराजक राज कहल जाय छले चारो सब ठाम होय छले बिहारी शैली लेकिन बहुत ठाम परिवर्तन दोसरो ठाम परिवर्तन भेलै सबसे जकरा प्रजातंत्र के जननी कहे छे ब्रिटेन में तो वही समय में कोनो एहन समय छले रहे जे कोनो मंत्री के यदि संसद में बिल पास कराब पड़े छले तो ब्रीफ केस में पैसा लेके जा पड़े छले और अपना रूम में सांसद सब के पैसा देके बिल पास कराबे छले लेकिन बहुत ठाम सुधार भेले तै द्वारा हम आशावादी छी जे कोनो तरह से गणतंत्रो बचे संगीतो बचे आदमी परिवर्तन है जनता सिर्फ आदेश पालन करता नहीं छी जनता के बल पर भेले है कोनो व्यक्ति बेसिस पर नहीं जनता परिवर्तन करता छिए उ जनता जागते और ई जे व्यथिति छे ओहो अंत हेते आ ई व्यथिति करे वाला सबके बियाबान में जा ये हमारा विश्वास जी। अब प्रदेश दू के बात करी प्रदेश सरकार के जते अधिकार देने छे अपने के की लगे कर नै सिक रहल छे या कर नै देल जा रहल छे से लेग रहल छे की वास्तव में लेग रहल छे प्रदेश दू सरकार के जो बात देखियो प्रदेशो आहां के हम बार बार कहे छी जे प्रदेशो जे दायित्व अनुसार के काम नै केलके परिवर्तन हेते त सिर्फ केंद्र में नै प्रदेशों में करे पड़ते प्रदेशों में नया संस्कार जन्म लिए पड़ते और स्थानीय निकाय में भी कई तरह कानूनी व्यवस्था करे पड़ते जे लोग भ्रष्टाचार करे से डरे केंद्र एहन निकाय सबके भ्रष्टाचार नियंत्रण करे वाला निकाय सबके एहन व्यक्ति के लावे पड़ते जे शासक के मुंह ने सरकार नियुक्त कर लेन देन के खेल है लोकमान कासिंग कार्की के नहीं जाने छे हमरा सब के जे राजा राजदरबार से केना भेले ओकरा मनोज करबला के छे कौन पार्टी के हिमालय कांग्रेस माओवादी सब के नेता सब ओकरा दस्तखत नहीं केने छे समय समय पर आवे छे जे पैसा लेके मनोनीत कर छे तो वही निकाय के की कहे छे जे प्रतिनिधि सब ओ निष्पक्ष भए के भ्रष्टाचार के की कहे छे जे नियंत्रण नहीं कर सके छे भ्रष्टाचारी पर कार्यवाही करे छे की कहे छे जे अख्तियार दुरुपयोग आय पर चार्ज लगबे छे हम नहीं लगबे छे हम तो क्योंकि जे फेसबुक आ ट्विटर नहीं जो छे लेकिन देखे छे भरल रहे छे जे छोटका माछ सब पकड़े छे बड़का माछ के नहीं छुए छे किया डर के जी।
ई जे परिवर्तन के जब अपने बात के लिए कि इनका सबके चरित्र परिवर्तन केना के होते जखन व्यक्ति परिवर्तन होते ने तो कतौ ने कतौ पहिल के संस्कार ल के एखनो काज भ रहल छै व्यवस्था परिवर्तन भेले लेकिन ओहि अनुसार के काज नहीं भ रहल छै से अपने कह रहल छी तो जते के परिवर्तन भेले तै में जनता के योगदान रहले या चाहे वोट के माध्यम से होय चाहे आंदोलन के माध्यम से होय हरेक किस्म के माध्यम से जनता अग्रपंक्ति में रहले या जनते सब चीज परिवर्तन केलके ने तो अखन के बात करी तो जनता सही नेतृत्व किया चयन कर नहीं सक रहा है कत समस्या पड़ रहा है प्रदेश सरकार का सिर्फ सरकारे नहीं छे सारा जनप्रतिनिधि छे चाहे वो केंद्रीय संसद को उसका रकम हो चाहे प्रदेश संसद को उसका रकम हो चाहे गांव विकास के रकम सब ठाम हम जे सुनै छी जे लोक कहैए जे सब ठाम कमीशन के खेल कोनो समय छलैए जे बिहार में की कहै छै हिंदुस्तान में छलैए मार्च लूट अखन नेपाल में ठीक वह चीज भ गेलै अखाढ़ लूट जेठ में बजट पास होइ छै और अखाढ़ में बजट की कहै छै विनियोजन होइ छै की छै जानि के भ्रष्टाचार नहि कयल जाइ छै तऽ की कयल एकेटा निकालने छै मंत्रालय चलेनाइ विभाग चलेनाइ रखने नाम स्थायी सरकार जे छै कर्मचारी के छै कर्मचारी की देखै छै जखन बिहार में स्थानीय निकाय सब में बहुत भ्रष्टाचार भेलै तऽ बिहार सरकार ओकर खाता संचालन के जिम्मा डीएम के दे हम देखने छी जे एक तिहाई प्रधान एहिठाम तऽ प्रधान पंच या प्रधान पंच कहने मुश्किल पंच तऽ नहि छै प्रधान ओ प्रधान कहनाइ तऽ पाप समझै छै ताहि दुआरे अध्यक्ष भेलै अखन की कहै छै तऽ ओ सब जेल गेलै वार्ड सदस्य सब जेल गेलै तब जाके बहुत हद तक तऽ भ्रष्टाचार रुकलै हम ई नहि कहै छी अंतन बेसी तऽ अपने की लगैए तऽ ई तऽ व्यथिति सब छै ई समस्या सब तऽ छै तऽ आब रहलै जेहन परिकल्पना जनता केने छै कि एहन सरकार हो नै देश हित में काज करी भ्रष्टाचार के बाते नै आवे एहन किसिम के परिकल्पना साकार हेतै तै के लेल की करे पड़तै अंत में अब साकार देखियौ साकार त हम हैत देखलिए आ की कहै छै साकारो हैत देखलिए आ विफलो हैत देखलिए जेना पहिने कहलहुँ जे बहुत सारा देश में डेमोक्रेसी एलै आ एक एक 60 के दशक दशक जे छलै से एंटी डेमोक्रेटिक दशक छलै कोनो ठाम तानाशाही एलै कोनो ठाम सैनिक शासन एलै कोनो ठाम इहो छै लेकिन सकारात्मक पक्ष कहलहुँ जे यूरोप के बहुत सारा देश छै एशिया में जापान छै बहुत सारा देश छै हिंदुस्तानो में एक हद तक की कहै छै जे नियंत्रण छै आ डेमोक्रेसी सफल भए रहल छै और बहुत सारा देश में छै अफ्रीको में छै तै द्वारा सकारात्मको पक्ष छै आ नकारात्मक पक्ष छै हम तऽ चाहब जे सकारात्मक होय हम वएह परिकल्पना करबै और वही के बाद आशा कयल जनता जी आशा कयल आपके दिन में आगू आने से हम आशा करबै जी जी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक वृंद ओ छलथि खुशीलाल मंडल वरिष्ठ राजनीतिज्ञ आई हुनका से बातचीत करे छलिए पिछला समसामयिक राजनीतिक विषय में जो कोरोना के बात करी तो कोरोना के विषम परिस्थिति देखल गेलै कोरोना के कारण से आई देश में आ कहीं तो जिला जिला में लॉकडाउन के अवस्था फिर शुरू हो लागल छै और जे प्रदेश स्थानीयता आ केंद्र बीच के समन्वय के बात करी तो समन्वय कतौ ने कतौ नहीं भ रहल छै जखन कोनो काज करे के बात होइ छै तऽ तखन एक दोसर निकाय पर आरोप प्रत्यारोप लगे रहल छै एकर निराकरण किया नहि भ रहल छै एहन किस्म के समस्या किया आबि रहल छै जिनका सबके उपचार भेटक चाही उपचार किया नहि भेट रहल छै जे स्वास्थ्य सामग्री के बात भ सकै छै एकर उपलब्धता किया नहि भ रहल छै यावत विषय में हुनका से बातचीत करै छलियै बेस्त नमस्कार।